वेलकम गाइस, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं कि हम अपने कार का सर्विसिंग कहां से करवाएं, लोकल मैकेनिक से करवाएं या फिर सर्विस सेंटर से करवाएं। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, चाहे आप सेकंड हैंड कार ले, चाहे आप नया गाड़ी ले, चाहे आपका फ्री सर्विसिंग खत्म हो चुका हो, अब आप कहां से करवाएंगे। आप अगर सर्विस सेंटर से करवाते हैं तो वहां पर आपको ज़्यादा पैसे पेड करने होते हैं, अगर आप लोकल मैकेनिक से करवाते हैं तो काम सस्ते में निपट जाता है। तो कहां से आप करवाएं, इसका ही जवाब आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंडीशंस देता हूं, उस कंडीशंस के हिसाब से आप अपना कंडीशन चूज कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है 2-3 लाख रुपए के अंदर। अब उसके अंदर जो है, जब सर्विस का डिमांड आएगा तो आप कहां से करवाएं सर्विसिंग, आप क्या सर्विस सेंटर से करवाएं या फिर लोकल मैकेनिक से करवाएं। तो यहां पर मैं आपको देना चाहता हूं एक सिंपल आंसर, आप लोकल अच्छे मैकेनिक के पास जाएं और आप अपना गाड़ी का सर्विस करवा सकते हैं। देखिए, अब लोकल मैकेनिक के अंदर भी बहुत तरह के मैकेनिक्स होते हैं, आपको आपके आसपास के एरिया में एक बार जो है वो रिसर्च करना है और देखना है कि कौन सा ऐसा मैकेनिक है जो अच्छा काम करके देता है कस्टमर्स को, उस जगह पर आपको जाना है और आपका गाड़ी का सर्विसिंग करवाना है। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं वहां से सर्विसिंग करवा के, तो आप जो है वो रेगुलरली वहीं पर जो है वो सर्विसिंग करवा सकते हैं, आपका कुछ पैसा भी बचेगा क्योंकि आपने सेकंड हैंड गाड़ी परचेज की है, आपका कुछ पैसा भी बचेगा और आपका काम भी जो है वो भी निपट जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर आप इंजन ऑयल और छोटा मोटा काम के लिए अगर आप सर्विस सेंटर में गाड़ी को लेके जाते हैं तो वहां पर लेबर चार्ज के नाम पे बहुत ज्यादा कॉस्ट आपसे लूटा जाता है। तो इस स्थिति में उस कॉस्ट से आप बच सकते हैं, 100-200-300 रुपए आप जो है वो मैकेनिक को दे भी सकते हैं एज ए टिप, वो भी खुश, आप भी खुश और आपका गाड़ी का काम भी ठीक से वो करेगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब आ जाते हैं दूसरे कंडीशन के अंदर। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी है 8-10 लाख रुपए के अंदर, ठीक है, वो भी सेकंड हैंड। मान लीजिए आपने इनोवा खरीदा है या फिर आपने होंडा सिटी खरीदी है या फिर आपने स्कॉर्पियो खरीदा है, कुछ बड़ी गाड़ी खरीदी है, कुछ महंगी गाड़ी खरीदी है सेकंड हैंड के अंदर। अब इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, इस स्थिति में आप ऐसा कीजिए कि पहली बार आप अपने आसपास के जितने भी मैकेनिक्स हैं उनसे पता कीजिए कि कौन सा मैकेनिक बेहतर काम करता है, वही टेक्निक इस्तेमाल करके आप एक बार जो है वो लोकल मैकेनिक से काम करवा के देखिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि वो ठीक ठाक से काम कर रहा है, और बैठ के काम करवाइए, सामने बैठ के उससे काम करवाइए, अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक से काम हो पा रहा है तो वहां पर आप करवा सकते हैं छोटे मोटे काम, यानी कि इंजन ऑयल चेंज हो गया, छोटा मोटा फिल्टर वगैरह चेंज हो गया, वहां पर आप करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ मेजर काम पड़ जाता है आपका गाड़ी का, मेजर सर्विसिंग पड़ जाता है, तो वहां पर आप जो है गाड़ी को सर्विस सेंटर में लेके जाइए, वहां पर आपकी गाड़ी का अच्छे से देखभाल किया जाएगा, अच्छे से चेकअप किया जाएगा और आपको जो है वो प्रॉब्लम सारे बता दिए जाएंगे। अब मान लीजिए 20 लाख की गाड़ी है आपने सेकंड हैंड में खरीदी है 8 लाख में, उसको अगर आप सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे तो सर्विस सेंटर वाले इतने हरामी हैं कि वो सोचते हैं कि इसके पास तो पैसा ही पैसा है, तो आपको लूटने की कोशिश की जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप लोकल मैकेनिक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपकी महंगी गाड़ी का जब भी बड़ा सर्विसिंग का बारी आए तो आप सर्विस सेंटर लेके जा सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे कंडीशन की ओर कि मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी है 3-4 लाख रुपए के अंदर, एंट्री लेवल गाड़ी, वो भी नया, ऑल्टो, क्विड, इस तरह की जितने भी गाड़ियां हैं 7-8 लाख तक आपने खरीदी है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप जितने भी फ्री सर्विसिंग है वो तो सर्विस सेंटर से करवा लेते हैं, उसके बाद आप कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि सर्विस सेंटर में यार काम तो अच्छा हो रहा है लेकिन क्या मुझे फिर से वहीं पर जाना है या फिर लोकल मैकेनिक के पास जाना है। तो लोकल मैकेनिक में भी बहुत सारे मैकेनिक्स होते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी मैकेनिक्स होते हैं, कुछ ऐसे भी गैरेज होते हैं जहाँ पर बहुत सारे कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए रहते हैं और आपका गाड़ी का अच्छा ख्याल वो भी रख सकते हैं अगर आप उसके साथ गुडविल, गुड रिलेशनशिप बना सके। तो इस स्थिति में आप अपना गाड़ी को जो है एक बार, मैं कहना चाहता हूँ एक बार इसे ही आप लेके जाइए लोकल मैकेनिक के पास, आप एक बार रिसर्च करके, अच्छे मैकेनिक को सर्च करके उसके पास लेके जाइए और गाड़ी को जो है वो काम करवाइए, इंजन ऑयल वगैरह जो भी चेंज होते हैं वो करवाइए, अगर अच्छा लगता है तो दूसरी बार आइए, वरना आप अपने सर्विस सेंटर में जाके करवाई सकते हैं। वहां पर मैं सर्विस सेंटर को ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, इसके कारण ये है कि वहां पर आपको सिर्फ लेबर कॉस्ट के नाम पर जो है वो पैसे लूटे जाते हैं। अब आ जाते हैं चौथा कंडीशन के ऊपर कि आपने 20-30 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो इस स्थिति में कन्फ्यूशन का कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप आपका गाड़ी का जितने भी काम है वो सर्विस सेंटर से ही करवाएं,
यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपका गाड़ी का प्रॉपर ध्यान वही रख सकते हैं। लोकल मैकेनिक उतना महंगा गाड़ी का जो सर्विसिंग है वो शायद कर नहीं पाए, अगर कर भी लेता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो उससे भी भूल चूक हो सकती है। और स्थिति में अगर आप इतने रुपए की गाड़ी में चढ़ रहे हैं तो आप 1,200 रुपये जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक्स्ट्रा देने में। और इसमें आपको मिलता क्या है, इसमें आपको स्लिप मिलता है, इसमें आपको बिल मिलता है, ओरिजिनल पार्ट्स मिलता है। तो इस स्थिति में दोस्तों आप जो है वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आराम से सर्विस सेंटर में ही जो है वो सर्विस गाड़ी का करवाएं। आशा करता हूँ आप सबको आंसर मिल चुका होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और जाते जाते सब्सक्राइब बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गाड़ी ज्ञान के साथ जुड़े रहें।